हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद सूरज। और चलिए एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल के लिए। लेकिन उससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था उस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आज मार्केट ने जो मतलब फॉल दिया है, बहुत मार्केट पूरा क्रैश हो चुका है यहाँ पे। और हमने जो लेवल्स दिए थे वहाँ से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गैप अप यहाँ से खुल गया। आप देख सकते हैं ये जो क्लोजिंग थी 17,042 की, वहां से देखिए ये कहाँ ओपन हुआ, 140 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ। फिर मतलब जो एनालिसिस की थी उसका मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन गैप अप खुलने की वजह से। लेकिन आप अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से करते, थोड़ा वेट करते प्राइस एक्शन के लिए, तो आपको बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट हो जाता। पता नहीं किस किन किन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया है आज, पर जिन्होंने जिन्होंने किया है उनको मतलब बधाइयाँ। और चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। और वो भी डिस्कस करेंगे कि आप ट्रेड कैसे ले सकते थे इस मतलब मार्केट में, ठीक है। ये क्या किया था हमने, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी इसे, और यहाँ पे इसे सपोर्ट ड्रॉ किया था। तो मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन किया। फिर आप क्या कर सकते थे, 15 मिनट पे देख सकते थे। 15 मिनट में आप क्या करते, हाई और लो मार्क कर लेते यहाँ पे, और फिर क्या करते ब्रेक डाउन पे क्या करते, यहाँ से रिटेस्ट पे एंट्री कर लेते, ठीक है। तो ये क्या बन जाता आपका, ये देखिए ये बन जाता आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। आप यहाँ पे भी ट्रेड करते तो 1:2 मिल जाता आपको। ये देखिए इस कैंडल पे ट्रेड करते तो वन इज टू टू मिल जाता आपको यहाँ पे। और इस कैंडल पे ट्रेड करते तो आप क्या कर सकते थे, अपना एसएल ट्रेल कर सकते थे। पहले क्या करते कि मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। निकाल लेते पेंसिल, ये देखिए आप क्या करते यहाँ पे एंट्री करते। मार्केट ऐसे फॉल होता फिर आप स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे ट्रेल कर लेते, फिर मार्केट नीचे आता, फिर क्या ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी उस पर सपोर्ट लेता जैसे अभी लिया है, तो आप क्या करते ऐसे एग्जिट हो जाते, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नीचे और एक ट्रेड मिल जाता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन पे आपको 1:2 मिल जाता है, ये देखिए। यहाँ पे 1:2 मिल जाता आपको। ट्रेड लेने से पहले आपको अपना एसएल होना पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएल अगर पता नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, अभी ऊपर मार्केट आएगा अभी नीचे मार्केट आएगा ऐसे सोचते रहते। लेकिन मार्केट क्या करता है, अगर जिन जिन्होंने यहाँ पे हैमर पे ट्रेड लिया होगा यहाँ पे, उन्होंने अगर स्टॉप लॉस प्लेस नहीं किया होगा तो क्या हुआ होगा, वो यहाँ पे वेट करेंगे अभी नीचे आएगा अभी नीचे आएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सीधा फॉल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी, देखिए यहाँ से हम मार्क करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी, इसके ब्रेकआउट पे आप क्या करते रिटेस्ट पे एंट्री करते यहाँ पे। यहाँ पे नहीं कर सकते थे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट क्या कर लेता सपोर्ट कर लेता, इसलिए हम वेट करते थोड़ा। और फिर मार्केट ऊपर क्या करता है यहाँ पे रिटेस्ट करता तो 1:2 का यहाँ पे मिल जाता। और ये सपोर्ट बनने के बाद में आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन के बाद में यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था। तो मतलब ये एनालिसिस आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को। और चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं। अभी बैंक निफ्टी हमने क्या कहा था, ऐसे मतलब ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए थे हमने, जैसे निफ्टी में किए थे वैसे भी यहाँ पे किए थे। ये देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न बना रहा था, थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अभी आपको यहाँ हमने क्या डिस्कस किया था उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया गैप डाउन ओपन किया था, इसलिए अभी 15 मिनट में हम थोड़ा देखते हैं इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। अब ये क्या है,
ये देखिए ऐसे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट किया और मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया। आप एक ट्रेड पकड़ सकते थे यहाँ पे, एक ट्रेड पकड़ सकते थे, फिर क्या हो? उसके बाद में ये आपका क्या बन जाता, रेजिस्टेंस बन जाता। देखिए ये जो आपने ट्रेड किया ये आपको क्या बन जाता, रेजिस्टेंस बन जाता। और फिर से मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और कैंडल ने, और सीधा मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है। आप क्या कर सकते थे, यहाँ से ऐसे ट्रेड ले सकते थे आप। देखिए अगर किसी को ट्रेल करना होता तो वो क्या करता, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करता, ट्रेल करता। उसके बाद में क्या करता, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आप प्रॉफिट अपना बुक कर लेते। फिर अगर आपको बाद में ट्रेड करना होता तो आप क्या करते, यहाँ पे 5 मिनट पे जाते हैं। उसके बाद में उसने क्या किया है, ये देखिए उसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। ये रिस्क रिवॉर्ड में नहीं बैठ रहा था, बहुत मतलब बड़ी कैंडल थी, ये देखिए ऐसे बहुत कैंडल थी, 110 पॉइंट्स की कैंडल थी। तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, इसके रिटेस्ट पे ट्रेड किया। इसके रिटेस्ट का हमने वेट किया, फिर थोड़ा रिजेक्शन थोड़ा सा नीचे लिया, इसलिए वेट किया काय का, ब्रेक डाउन का। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया। फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद हमने क्या किया, इस पे ट्रेड किया और मतलब अच्छा खासा हमको प्रॉफिट हुआ। ये देखिए यहाँ से नीचे तक 1:4 का आपका टारगेट आ जाता। और चलिए कल के लिए बात करते हैं, कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी मार्केट ने क्या किया है, पूरा गैप फिल कर दिया, ये देख सकते हैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने कहा क्या कहा था, ये गैप भी फिल कर सकते हैं अपना, इसने अपना गैप फिल कर दिया। अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अभी ये क्या बन गया है, ये अभी रेजिस्टेंस बन गया है यहाँ पे, ये जो पेंडिंग गैप था ये अभी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी क्या है सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर आपको सेलिंग में जाना हो तो आप क्या कीजिए, इसके नीचे मतलब यहाँ से नीचे सेल कर सकते हैं। और अगर आपको बाइंग में जाना है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है 2 बार, तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो ये आप क्या कीजिए, ट्रेड लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है, इसलिए थोड़ा आप वेट कीजिए। अगर आपको बाइंग करनी है तो आप क्या करेंगे, ये जो लेवल दिख रहा है आपको 39,456 का, आप बाइंग इसके ऊपर ही कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको क्या कर सकता है, इतने मतलब फॉल के बाद में आपको यहाँ पे मार्केट यहाँ पे घुमा सकता है, इसलिए इसके ऊपर ही ट्रेड कीजिए और इसके नीचे ट्रेड कीजिए। ठीक है, टारगेट्स आपको बताता हूँ मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम थोड़ा। ये देखिए ये हमारे टारगेट्स रहेंगे और ऊपर के लिए ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अभी निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या क्या है, इसने भी अपना मतलब प्रीवियस जो डे था उसके लो के नीचे मतलब चला गया। तो अभी ये क्या है, यहाँ से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, मार्केट क्या कर सकता है, 16,758 के मतलब 16,800 के पास जा सकता है मार्केट। ठीक है, इसको क्या करना होगा, हमें ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं। सेल कहाँ पे करना है आपको, इसके नीचे सेल करना है, और बाय आप कहाँ करेंगे, इसके ऊपर ही बाय करें। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं आप।
टारगेट्स क्या रहेंगे, ये पहला टारगेट रहेगा, और नीचे का टारगेट मैंने आपको बता दिया है। टारगेट यहाँ पे, यहाँ पे जो कैंडल दिख रही है आपको डेली टाइम फ्रेम में, वो आपका क्या होगा, सिक्सटीन एट हंड्रेड का ये क्या होगा आपका टारगेट होगा। मार्केट बहुत ज्यादा मतलब सारे लेवल्स लेवल्स तोड़ के इसने मतलब नीचे आ गया है, तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, वापस से ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है, ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा है मार्केट, इसलिए वो स्लो एंड स्टेडी नीचे आ सकता है। ठीक है, ट्रेड करते वक्त आप थोड़ा मतलब बाइंग पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, सिंगल कैंडल पे ट्रेड मत कीजिए जैसे हैमर और वो, क्योंकि वहां पे आपको क्या लॉस हो सकता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको ऑप्शंस के बारे में सीखना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।